सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश के सभी लेसन्स के एप्रिसिएशंस के आंसर्स। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन की ओर बढ़ेंगे जो कि है 1.1 लाइव। और इसका जो लेसन का आंसर है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में आ रहा है। तो मुझे यकीन है कि अगर आपको आंसर्स दिख रहा है, अगर आपको आंसर्स क्लियरली ना दिख रहे हो तो आप टॉप थ्री साइड पर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करें। और फिर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो क्वालिटी के ऑप्शन में जाकर आपको 480p या तो 720p दोनों में से कोई सो एक क्वालिटी पर रखे वीडियो को, तो आपको जो आंसर है वो टोटली अच्छे से और क्लियरली दिखेगा। और ये देख सकते हैं कि जो हमने बीच बीच में जो आंसर है टेढ़ा दिया है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल को तो वैसे ही रखना होगा लेकिन जो आपका बैठने का या फिर स्टैंड अप लेने का जो पोजीशन है उसको बदलना होगा, ताकि आपको आंसर अच्छे से और क्लियरली दिखे और आपके लिए परफेक्ट दिखे। मुझे यकीन है आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मुझे एक और बात कहनी थी आपको कि ये जो आंसर है ये पैराग्राफ मेथड में हमने आपको यहाँ पर आंसर्स दिया है, लेकिन कुछ स्कूल्स में या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये जो आंसर्स है ये पॉइंट वाइज में चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम दो क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के लिए जो रहता है एप्रिसिएशन वो पैराग्राफ वाइज में ही रहेगा आपको। लेकिन कुछ लोग को अगर समझो चाहिए होगा तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो आंसर से वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड करें। और जैसे आप रीड करोगे तो सिंपल इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, तो आप जैसे रीड करोगे तो आपको सब समझ जाएगा कि पोयम क्या है, पोएट का नाम क्या है, फिर स्पेशल फीचर्स क्या है, फिर उसका राइम शेम क्या है, और वो सब रहता है वो सब आपको पढ़ते समय सब मिल जाएगा आपको। अभी मैं पढ़ के तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, तो इसके लिए मैं आपको आंसर कुछ सेकेंड्स के लिए दिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। मुझे यकीन है जो भी मैंने अब तक बोला आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिटेक करके भी देख सकते सुन सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर हमने दिया है, तो हम बार बार आपको लग रहा हो कि ये बार बार टेढ़े में फिर सीधे में क्यों आ रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपको आंसर क्लियरली दिखना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये ऐसा करना पड़ रहा है। और लेकिन अगर हम आपको सीधा देते तो फिर आपको छोटा छोटा दिखता है, लेकिन आप अभी मुझे लगता है कि टेढ़े देने से आपको और अच्छे से क्लियर और बड़े आंसर्स दिखेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगा तो इसको ज़रूर लाइक करेगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चैनल क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियोस बनाता है, और आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिए स्टैंडर्ड के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में जरूर शेयर करेगा, व्हाट्सअप के थ्रू या फिर जो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर प्रेस आउट करेगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।